हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल आज के वीडियो में हम एम पी ग्रुप फाइव स्टाफ नर्स वैकेंसी के जो एग्ज़ाम हुए थे 23 दिसंबर 2021 को उसकी जो आंसर की है उसे डिस्कस उसे डिस्कस करने वाले हैं इवनिंग शिफ्ट की आंसर की है ये जितने भी इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे उसकी आंसर की है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे गए थे आप लोगों को इससे आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं चलिए तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है अनोटमी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड एज यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं डी कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन तो यहाँ पर आप राइट आंसर right देख सकते हैं जो इसका राइट right आंसर है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट के द्वारा जो सही आंसर रहेगा वो ग्रीन कलर से शो हो रहा है और जो येल्लो कलर से रहेगा अगर कैंडिडेट का जो आंसर है वो अगर रॉन्ग रहेगा तो इस तरीके से ग्रे, ग्रे कलर से शो होगा और करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर येल्लो कलर से शो होगा तो आप कलर कोडिंग भी यहाँ पर देख सकते हैं चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हैं वो इज द फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी साइको एनालिटिक थ्योरी के फादर कौन है ऑप्शन इस देख सकते हैं जीन पेजेट लॉरेंस कॉलबर्ग सिगमेंट फ्रूड और एरिक्सन तो यहाँ पर राइट आंसर है इसका सिगमेंट फ्रूट उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर थ्री देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया है विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशियल पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग असिस्मेंट फॉर अ क्लाइंट हु हैज हैड अ कार्डियक कैथेटराइजेशन तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं मॉनिटर स्किन वार्मर ऑब्जर्व न्यूरोलॉजिकल फंक्शन मॉनिटर लैब वैल्यूज एंड ऑब्जर्व पंक्चर साइट फॉर स्वेलिंग इसका राइट right आंसर जो है ऑब्जर्व पंक्चर साइट फॉर स्वेलिंग फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है के एम सी शुड बी प्रोवाइडेड बाय मदर फॉर एटलीस्ट हाउ मैनी आर इन वन सिटिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं के एम सी का जो है ड्यूरेशन पूछा गया है ऑप्शंस हैं वन आवर टू आवर वन पॉइंट फाइव आवर और थ्री आवर्स तो इसका जो राइट आंसर है वो है वन आवर फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव आप लोग देख सकते हैं इसमें पूछा गया है वॉट कनेक्ट्स हाइपोथालमस टू द पिटविटरी हाइपोथैलमस को पिटिटरी से क्या कनेक्ट करता है ऑप्शन देख सकते हैं सैरिब्रल कॉर्टेक्स एंटीरियर कॉर्पस कोलोसम एंड इनफंडिबुलम इसका जो राइट आंसर है वो है इनफनडिबुलम फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स देख सकते हैं पूछा गया है द माइक्रो न्यूट्रियट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट इनमें से कौन से जो है माइक्रो न्यूट्रियट्स हैं एक को छोड़ के तो यहाँ पर आयरन को छोड़ के जो है सभी माइक्रो न्यूट्रियट्स हैं राइट आंसर जो है इसका आयरन है उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर सेवन देख सकते हैं टी ए टी स्टैंड्स फॉर थ्योरी अटेन्ड टारगेट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट थर्मल टेस्ट एंड टेस्ट असिस्ड ट्रीटमेंट तो इसका जो राइट आंसर है वो है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर एट देख लीजिए अ कंडीशन करेक्टराइज बाय डेविएशन फ्रॉम डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्दी स्टेट विच इज मैनिफेस्टेड बाय फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम इज कॉल्ड ऑप्शन है ऑप्शन हैं हेल्थ प्रिवेंशन इलनेस एंड प्रोमोशन तो इसका जो राइट right आंसर है वो है इलनेस फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछा गया है अ इन विटामिन डी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इन चिल्ड्रन ऑप्शन में है मारासमस अनीमिया रिकेट्स एंड ऑस्ट्रीओपोरोसिस तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑस्ट्रियोपोरोसिस

तो ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं अनकॉन्शियसनेस इड सुपर ईगो एंड ईगो तो जो राइट right आंसर है वो है यहाँ पर एड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पूछा गया था वैन टू मोटिव आर इक्वली अट्रैक्टेड इट लीड्स टू अप्रोच एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक कॉन्फ्लिक्ट मल्टीपल अप्रोच एवॉयडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट तो इसका जो राइट right आंसर है वो है अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन में पूछा गया था द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग दैट इज प्रमोशन ऑफ हेल्थ प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज एलिविएशन ऑफ सफरिंग इज नोन एज बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिकल कंसेप्ट हॉलिस्टिक कंसेप्ट एंड इकोलॉजिकल कंसेप्ट तो इसके जो राइट आंसर है वो है हॉलिस्टिक कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में पूछा गया था सेपरेशन बिगिंस एट द सेंटर ऑफ द प्लासेंटा एंड स्लाइड डाउन द बर्थ कैनाल लाइक अ फोल्डेड अम्ब्रेला दिस मेथड ऑफ प्लेसेंटल एज ऑप्शन में देख सकते हैं ब्रांड एंड्रयू मैकेनिज्म मेकेनकन मैकेनिज्म तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है इसका शर्ल्ड मैकेनिज्म दिया गया है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में पूछा गया है इन्फेक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ऑप्शन है अपेंडिसाइटिस एंडोमेट्राइटिस साल्पनजा एंड बार्थोलिनाइटिस तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है साल्पनजाइटिस उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में पूछा गया है पब्लिक हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एट स्पेशलाइज्ड केयर टर्सरी हेल्थ केयर प्राइमरी हेल्थ केयर क्रिटिकल केयर जो राइट right आंसर है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन आप लोग देख सकते हैं इसमें पूछा गया है द मदर ऑफ अ न्यू बॉर्न कॉल्स द क्लिनिक एंड रिपोर्ट दैट क्लीनिंग द अम्ब्लाइकल कॉर्ड शी नोटिस्ड दैट The cord was moist and the discharge was present. What is the most appropriate nursing instruction for this mother? Here yeah, see the options: bring infant to the client, increase the number of times that cord is clean per day, monitor the client for another 24 to 48 hours, and call the clinic if discharge continues. एंड डी नंबर के ऑप्शन में पूछा गया है दिस इज़ अ नॉर्मल ऑक्यूरेंस एंड नो फर्दर एक्शन इज नीडेड तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो है ब्रिंग इन्फेंट टू द क्लिनिक क्वेश्चन नंबर एट्टीन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन में पूछा गया है द माइक्रोन्यूट्रियट विच इज़ अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ सेल वॉल एंड एक्टिवेट द एन्जाइम इज ऑप्शन हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बोरोन डाइऑक्साइड तो ये जो राइट right आंसर है वो है कैल्शियम उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में देख सकते हैं पूछा गया है द मीनिंग ऑफ फीडेलिटी इन काउंसलिंग इज काउंसली काउंसलर रिलेशनशिप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट वर्थिनेस ऑफ काउंसलर मिसलीडिंग ऑफ काउंसलिंग तो राइट right आंसर है यहाँ पर ट्रस्ट वर्थिनेस ऑफ काउंसलर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में पूछा गया है द फर्स्ट मैं इन अ फीमेल इज कॉल्ड एज ऑप्शन है डिसमेनोरिया मीनोपोश मिनार्की एमेनोरिया। तो जो राइट आंसर है दैट इज मिनार्की। फिर उसके बाद यहाँ देख सकते हैं थंब ऑफ फोर्ट ग्रेट ग्रेट टो तो इज कॉल्ड हैल्युक्स इंडेक्स कैरिकॉइड पॉलेक्स। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज हेल्युक्स फिर इसके बाद यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में पूछा गया है जॉरी विंडो मॉडल इज यूज्ड टू तो नो अबाउट सेल्फ अदर्स पेशेंट नर्स तो जो राइट आंसर है वो है सेल्फ फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में पूछा गया है विच डिज़ाइन ए द फॉलोइंग इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन ऑप्शन हैं वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्टर्स डिज़ाइन टाइम सीरीज डिज़ाइन केस स्टडी कॉम्पेरेटिव डिज़ाइन तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है केस स्टडी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज सीन इन सम पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड द मेडिटेरेनियन कोस्ट एज दे डेवलप रेजिस्टेंस टू प्लास्मोडियम फैलसीफेरम ऑप्शंस हैं हर्ड इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी इननेट इम्यूनिटी एंड रशियल इम्यूनिटी तो जो राइट आंसर है दैट इज़ हर्ड इम्यूनिटी फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में पूछा गया है द गोनोरिया कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज ऑप्शन हैं कैंडिडा एल्बीगन्स क्रैबलोश ट्राइकोमोनाज वेजिनालिस एंड नाइजीरिया तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है दैट इज नाइजीरिया इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है पॉली एंड्री इज़ द फॉर्म ऑफ मैरिज विच एम्प्लाइज ऑप्शन है अमो मैरिज सेवरल वुमन जो राइट आंसर है वो हैल मैन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज आर्थस रिएक्शन ऑप्शन टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी एंड टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी राइट आंसर जो है वो है आपका यहाँ पर टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है इंटेलिजेंट टेस्ट एडमिनिस्टर्ड टू एन इंडिविजुअल ऑन डिफरेंट डेज इट गिव्स सेम आईक्यू स्कोर देन द टेस्ट इज कॉल्ड ऑप्शंस देख सकते हैं एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड एंड रोप्रिएट तो जो राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर में पूछा गया विच प्राइमरी केमिकल मेडिएटर इज नॉट रिलीजिंग ड्यूरिंग टाइप फर्स्ट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन ऑप्शंस है हिस्टामिन सीरोनिन प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स इोसिनोफिल मोटेक्टिक फैक्टर्स तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर थर्टी में पूछा गया था प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ सिंपलर केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑप्शंस हैं ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड ग्लाइको प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स एंड मिनरल्स तो जो राइट right आंसर है इसका वो है अमाइनो एसिड्स क्वेश्चन नंबर थर्टी वन जो है यहाँ पर पूछा गया है पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट कंस्टिट्यूट्स इज कॉल्ड ऑप्शंस देख सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम रिलीजियस प्रॉब्लम एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम राइट आंसर है सोशल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में पूछा गया है द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर डिजॉक्सिन लेवल इंडिकेट दैट द क्लाइंट हैज ऑप्शंस हैं लो पोटेशियम लेवल हाई कैल्शियम लेवल लो सोडियम लेवल एंड हाई ग्लूकोज लेवल इसका जो राइट आंसर है दैट इज लो पोटेशियम लेवल क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयरन ऑप्शंस हैं फॉर हेल्दी आईसाइट टू हेल्प प्रिवेंट अनिमिया बाय फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड मिनरल्स फॉर द ह्यूमन बॉडी राइट आंसर राइट आंसर जो है टू हेल्प प्रिवेंट अनिमिया बाय फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन उसके बाद आप यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर देख सकते हैं इसमें पूछा गया पेशेंट विथ सीजोफ्रेनिया द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट शोज ऑप्शन है इंक्रीज डोपामिन डिक्रीज सीरोटोनिन डिक्रीज नॉर एंड डिक्रीज गाबा तो यहाँ जो राइट right आंसर है वो है इंक्रीज डोपामाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव में पूछा गया है नर्स असिस्टेड विद द बर्थ ऑफ अ अन विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इफेक्ट इन प्रिवेंटिंग हीट लॉस इवेपोरेशन तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं क्लोजिंग द डोर टू द रूम टर्निंग ऑन द ओवर है इनफेंट विथ ब्लैंकेट एंड वार्मिंग द क्रिप पैड तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ड्राइंग द इन्फेंट विथ वार्म ब्लैंकेट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स में पूछा गया है अ नर्स परफॉर्म्स फिजिकल असेसमेंट बाय टचिंग पेशेंट होल बॉडी टू रूल आउट एबनॉर्मेलिटी दिस काइंड ऑफ टच इज़ कॉल्ड ऑप्शन है इंटीमेट टच वार्म टच प्रोफेशनल टच एंड फ्रेंडशिप टच तो ऑप्शन है इसका जो राइट right आंसर है वो है प्रोफेशनल टच क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन में पूछा गया है वॉट आर द टू होल्स ऑन द नोज कॉल्ड राइट ऑप तो यहाँ ऑप्शंस देख सकते हैं कार्टिलेज ब्लो होल्स नोस्ट्रिल एंड सेप्टम जो राइट right आंसर है इसका वो है नोस्ट्रिल नोस्ट्रिल फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी एट में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस माउथ एंड टंग आर यूज टू डील विथ स्ट्रेस ऑप्शंस हैं ओरल स्टेज लेटेंसी स्टेज फैलिक स्टेज एंड एनाल स्टेज तो जो राइट right आंसर है वो है ओरल स्टेज क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन में पूछा गया है द टेंडेंसी टू बी विद अदर पीपल एंड एक्सेप्टेड बाय अदर इज कॉल्ड विच मोटिव ऑप्शन हैं मैटरनल मोटिव पावर मोटिव एफिलेशन मोटिव एंड अचीवमेंट मोटिव तो जो इसका राइट आंसर है वो है एफिलेशन मोटिव क्वेश्चन नंबर फोर्टी में पूछा गया है द विंड पाइप इज आल्सो कॉल्ड द लैरिंगस लंग्स, ट्रैकिया एंड इजोफेगर्स तो जो राइट आंसर है दैट इजिया क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन में पूछा गया हैल्यूसिनेशन और रॉन्ग परसेप्शन में ऑकर विथ ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ सेंजरी स्टेमुलाई प्रेजेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेमुलाई प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेमुलाई एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टेमुलाई तो जो राइट आंसर है दैट इज एबसेंस ऑफ सेंजरी स्टेमुलाई

ऑप्शन है इंक्रीज इन इंक्रीज इन एल एच लेवल नाइजेरिया फॉल्स इन एफ एच एसल डिक्रीज इन एल एच लेवल तो जो राइट आंसर है वो है फॉल इन एफ एच एस लेवल क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर में पूछा गया है इंस्टेंट ऑलवेज ऑरियंटेड टूअर्ड प्लेजर एंड सैटिस्फिकेशन आर कॉल्ड ऑप्शन है इंस्टिंक्ट सोशल इंस्टिंक्ट डेथ इंस्टिंक्ट एंड लाइफ इंस्टिंक्ट तो जो राइट right आंसर है वो है लाइफ इंस्टिंक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव में पूछा गया है हु इज नोन एज मॉडर्न एपिडेमियोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन ऑप्शन है जेम्स लैंड जोसेफ लिस्टर हिपोक्रेट जॉन स्नो तो जिसका राइट right आंसर है वो है जॉन स्नो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टेस्ट ऑप्शन है इंक ब्लड टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट तो इसका जो राइट आंसर है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन में पूछा गया अ नर्स इन डेवलपिंग केयर प्लान फॉर अ पेशेंट विथ कैंसर रिसीविंग हॉस्पाइस केयर विच वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर मैनेजिंग क्लाइंट क्रोनिक पेन ऑप्शन है एडमिनिस्टर एनाल जैसे इंडिकेट इंक्रीज्ड पेन सीवियरिटी। बी नंबर के ऑप्शन में दिया गया एडमिनिस्टर एनाल जैसे रेगुलरली एंड एडिशनली एज नीडेड फॉर ब्रेकआउट एज नीडेड ब्रेक थ्रो पेन सी नंबर के ऑप्शन में पूछा गया है अवॉइड इंट्रावीनस पेन मेडिकेशन अंटिल द क्लाइंट इज टर्मिनली अनटिल द क्लाइंट इज टर्मिनल एंड डी नंबर के ऑप्शन में पूछा गया डेट द क्लाइंट विथ ट्रांक्यूलाइजर तो जो राइट right आंसर है इसका वो है एडमिनिस्टर एनाल जैसे वेन क्लाइंट वाइटल साइन इंडिकेट इनक्रीज पेन सीवियरिटी फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट में पूछा गया है द माइक्रो न्यूट्रिय विच रेगुलेट द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमा एंड रिड्यूज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव इज ऑप्शन है मीथेन, यूरिया नाइट्रोजन एंड पोटेशियम तो इसका जो राइट right आंसर है वो है पोटेशियम क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन में पूछा गया है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं कल्चर मेक्स मैनस लाइफ कंफर्टेबल कल्चर इज लर्न कल्चर इज रिलीजियस एंड कल्चर इज डिवाइन इसका जो राइट right आंसर है वो है कल्चर इज लर्नड क्वेश्चन नंबर फिफ्टी में पूछा गया है अ क्लाइंट हैज़ रिसीव्ड न्यूमेरस डिफरेंट एंटीबायोटिक एंड नाउ इज एक्सपीरियंसिंग डायरिया द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज़ प्रिस्क्राइब ए ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन द नर्स शुड इंस्टीट्यूट ऑप्शन है कांटेक्ट प्रिकॉशन एयरबॉन्ड प्रिकॉशन ड्रॉपलेट प्रिकॉशन एंड नीडल स्टिक प्रिकॉशन तो इसमें जो राइट आंसर है वो है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन में पूछा गया है पार्ट ऑफ क्वालिटी सिस्टम कवरिंग द मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फ्रॉम और अदर एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डायग्नोस्टिक फूड्स फार्मा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड मेडिकल डिवाइसेस ऑप्शंस देख सकते हैं Good laboratory practices, good regulatory practices, good clinical practices and good manufacturing practices. So, its right answer hai, wo hai. good manufacturing practices. Question number 52 is asked. What is the mainly involved in quasi experiment? Option hai intervention, time, control and randomization. क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री में पूछा गया है विच सैम्पलिंग टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज चेन सैम्पलिंग तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग कन्वीनियंस सैम्पलिंग कोटा सैम्पलिंग एंड परपिव सैंपलिंग राइट आंसर है वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर में पूछा गया है वॉट हेल्प्स टू सी कलर ऑप्शंस हैं कॉन्स लैंस रेटाइना एंड रॉड्स तो इसका जो राइट right आंसर है वो है कॉन्स फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव देख सकते हैं इसमें पूछा गया विच टाइप ऑफ रिसर्च सेवरल राउंड, सेवरल राउंड ऑफ क्वेश्चन विथ एन एक्सपर्ट पैनल टू अचीव कॉन्सेंसेस यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आउटकम रिसर्च डेल्फी सर्वे रेप्लीकेशन स्टडीज एंड सर्वे रिसर्च तो इसका जो राइट right आंसर है वो है डेल्फी सर्वेस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स में पूछा गया है द हॉस्पिटल इन विच द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीजेज आर एडमिटेड इज कॉल्ड ऑप्शन है आइसोलेशन हॉस्पिटल रिसर्च कम टीचिंग हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल एंड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल तो इसका जो राइट right आंसर है वो है आइसोलेशन हॉस्पिटल्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन में पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैविंग द डिसीज वैन द टेस्ट इज पॉजिटिव ऑप्शन दिए गए हैं सेंसिटिविटी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड स्पेसिफिसिटी तो जो राइट आंसर इसका वो है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट में पूछा गया है अ क्लाइंट हैड अ क्रेनियोटॉमी फॉर रिमूवल ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इन द ऑक्सीपिटल रिजियन द नर्स शुड क्वेश्चन अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर विच ऑफ दीज ड्रग्स यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं मॉरफिन सल्फेट नैप्रोक्ट एसिटामिनोफिन एंड आइब्रो एंड आईब्रो तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका वो है मॉर्फिन सल्फेट यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन में पूछा गया है फादर फादर ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं पीडर ड्रकर पीडर ड्रकर मैक्स वेबर फ्रेडरिक टेलर एंड हेनरी फेयोल तो ऑप्शन है इसका यहाँ पर पीटर ड्रकर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी में पूछा गया है अ पॉजिटिव चेंज टू द सोशल वैल्यूज और वैल्यूज सेंक्शन बाय द सोसाइटी इज नोन एज ऑप्शन हैं एवोल्यूशन डेवलपमेंट रिवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस तो जिसका राइट आंसर है वो है प्रोग्रेस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन में पूछा गया है ह्यूमन रिसोर्सिस डेवलपमेंट इज क्लोजली असोसिएटेड विथ बजटिंग प्लानिंग डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टाफिंग क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू में पूछा गया है वैन एन इंडिविजुअल कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ एन इनफेक्टेड पर्सन एंड आइसोलेटेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड एट रेफर्ड डिटेंशन आइसोलेशन टीन एंड मेडिकल आइसोलेशन तो इसका जो राइट right आंसर है वो है क्वारंटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री में पूछा गया है वैन द गोल्स आर नॉट और थ्वेटिंग इट लीड्स टू ऑप्शन है कंफ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन मोटिव एंड ड्राइव्स तो इसका जो राइट right आंसर है दैट इज फ्रस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक टू हैव गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विथ पेशेंट यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं यूजिंग टच एज अ टूल यूजिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन एक्टिव लिजनिंग बाय साइलेंस यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन तो इसमें जो राइट right ऑप्शन है वो है यूजिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव में पूछा गया है अथॉरिटी मीन्स ऑप्शन दिया गया है राइट टू कमांड राइट टू यूज एंड अब्यूज पावर राइट टू परफॉर्म ड्यूटी एंड राइट टू रिप्रीमेंट इसका जो राइट आंसर है दैट इज राइट टू कमांड क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स में पूछा गया है द नर्स इज एक्टिवली लिसनिंग टू पेशेंट स्टॉक एंड देन रिपीटिंग दूस थॉट्स एंड फीलिंग टू द पेशेंट विच इज़ नोन एज ऑप्शन है

क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट में पूछा गया है अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू डायबिटिक रिगार्डिंग हाउ टू सेल्फ मॉनिटर हाउ टू सेल्फ मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन डज इट कम ऑप्शन दिया गया है सेकेंडरी प्रिवेंशन प्राइमरी प्रिवेंशन टर्शरी प्रिवेंशन एंड प्री प्रिवेंशन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है टर्शरी प्रिवेंशन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन में पूछा गया है पी एच सीज अंडर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन बाय यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं करतार सिंह कमेटी प्लानिंग कमीशन भोर कमेटी एंड मुदेलियर कमेटी तो जो इसका राइट आंसर है दैट इज़ भोर कमेटी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी में पूछा गया है विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन इस ट्यूबर क्यूलिन टेस्ट यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं टाइप फोर हाइपर सेंजिटिविटी टाइप फर्स्ट हाइपर सेंजिटिविटी टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी एंड टाइप सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी राइट आंसर है टाइप फोर राइट आंसर है टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन में पूछा गया है विच रिसर्च डिजाइन इज बेस्ट स्वीटेड फॉर द बिलो मैंशन स्टेटमेंट डेटा टू बी ऑब्टेन फ्राम प्रेगनेंट वुमन्स प्रेगनेंट मदर इन देयर थर्ड ट्राइमेस्टर एग्जाम्पल अबाउट देयर एग्जाम्पल अबाउट देयर एनजाइटी बर्थिंग एक्सपेक्टेशन एंड आर यूज दीज डेटा टू प्रडिक्टट दैट वू वुड डेवलप पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर फ़ोर टू सिक्स वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन दिए गए हैं प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन केस कंट्रोल डिजाइन कॉम्पेरेटिव डिजाइन एंड रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन का जो राइट right आंसर है दैट इज प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू में पूछा गया है व्हाट रेफर्स टू डिफरेंसेस बिटवीन सैंपल वैल्यूज एंड पॉपुलेशन वैल्यूज तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सैम्पलिंग बायस ए सैम्पलिंग एरन एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसका जो राइट right आंसर है वो है सैम्पलिंग एरर्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री में यहाँ पर देख सकते हैं पूछे पूछा गया है ब्लैंक इज द इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ दूस थिंग्स विच आर रिक्वेसाइड फॉर एन इंडिविजुअल टू मेंटेन हिमसेल्फ एंड डिपेंडेंट अपॉन हिम ऑप्शन है अनएम्प्लॉयमेंट होमलेसनेस पॉवर्टी एंड इलिटरेसी तो इसका जो राइट right आंसर है वो है पॉवर्टी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फ़ोर में पूछा गया है चाइल्ड एब्यूज इंक्लूड ऑप्शन है फिजिकल सेक्शुअल रिलीजियस फिजिकल मेंटल इमोशनल फिजिकल इमोशनल रिलीजियस एंड फिजिकल सेक्शुअल इमोशनल तो जिसका तो जिसका राइट right आंसर है वो है फिजिकल सेक्शुअल एंड इमोशनल क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है द पोस्ट पार्टम नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द मदर ऑफ अ न्यू बॉर्न विथ हाइपर बिली हु इज बीइंग ब्रेस्ट फीड द नर्स शुड प्रोवाइड विच इंस्ट्रक्शन टू द मदर ऑप्शन है कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड एवरी टू टू फोर आवर्स स्विच टू बॉटल फीडिंग द इन्फेंट फॉर टू वीक्स फीड द न्यू लेस फ्रिक्वेंटली डी नंबर के ऑप्शन में स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्विच टू द बॉटल फीडिंग परमानेंटली तो इसका जो राइट right आंसर है वो है कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड एवरी टू टू फोर आवर्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवेंटी फाइव जो क्वेश्चंस थे ये नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे अब इसके बाद जो क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स में पूछा गया है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर एक्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज करेक्ट जुडिशियल मैकेनिज्म दिया गया है थ्री टायर क्वैसिड जुडिशियल मैकेनिज़्म नो सेपरेट जुडिशियल मैकेनिज्म टू टीयर क्वैसिड जुडिशियल मैकेनिज्म एंड वन ट्रिब्यूनियल इन ईच स्टेट तो इसका जो राइट आंसर है थ्री टीयर क्वेश्ड जुडिशियल मैकेनिज्म क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन में पूछा गया re -no, re name, में है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज नेम द तारा चौधरी एसोसिएटेड इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कथक लावनी भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी इसका जो राइट आंसर है वो है भरतनाट्यम क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट में पूछा गया हरिशीना वॉज अ कोर्ट पॉइंट ऑफ वू एमोंग द फॉलोइंग यहाँ पर राइट आंसर है इसका समुद्र गुप्ता ऑप्शंस दिए गए हैं बिंदुसारा समुद्र गुप्ता अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन में पूछा गया द प्रैक्टिसेस ऑफ सती वाज बैंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ऑप्शन है एटीन थर्टी थ्री एटीन नाइन्टी थ्री एटीन फिफ्टी नाइन एंड एटीन ट्वेंटी नाइन तो इसका जो राइट right आंसर है एटीन क्वेश्चन नंबर एट्टी में पूछा गया है ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट प्रिंटेड ऑन द गुड ऑप्शन है मैक्सिमम रेट ऑन प्रोडक्ट मिनिमम रेट ऑन प्रोडक्ट मैक्सिमम रिटेल प्राइस एंड मिनिमम रिटेल प्राइस तो इसका जो राइट right आंसर है वो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्वेश्चन नंबर एट्टी वन में पूछा गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर द सेलेक्ट सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एंटर सेलेक्ट नो एरर ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है द ओनली वे ऑफ क्लोज द गैप बिटवीन एथलीट एथलीट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड इज़ टू लोअर इज टू लोअर द बार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बिटवीन एथलीट्स एंड बिटवीन एथलीट्स फ्रॉम डिफरेंट नो एरर बैकग्राउंड इज़ टू लोअर द बार एंड द ओनली वे टू क्लोज द गैप तो इसमें जो राइट right आंसर है वो है ओनली वे ऑफ क्लोज दिएट ऑप्शन टू सब्टिट्यूट द ब्रैकेट सेगमेंट इन द इफ न्यू सब्सटीट्यूशन इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन है ही वॉज अ टीनी मैन ब्रेवली फाइव फीट टॉल विथ अ स्प्राइट वॉक ऑप्शन है इसका जो राइट right आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री में पूछा गया है इन द क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड बिलो सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसे क्वेश्चन है द कॉमिक सेंस इन द प्ले वेयर ओवर डन बाय द एक्टर ऑप्शन है द एक्टर ओवर डू द कॉमिक सीन इन अ प्ले द एक्टर हैड ओवर डन द कॉमिक सीन्स इन द प्ले द एक्टर्स ओवर डिड द कॉमिक सीन इन द प्ले द एक्टर ओवर डूइंग द कॉमिक सेंस इन द प्ले तो इसका जो राइट आंसर है वो है द एक्टर ओवर द कॉमिक सीन्स इन द प्ले क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर में पूछा गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर क्वेश्चन है इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑडेशियस एस्पियोनेज ऑपरेशन ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी एंड ऑडेजियसियोनेज इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी एंड नो एर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑपरेशन ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी यहाँ पर फिर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस ऑप्शन है एन टू ओ फोर एन ओ टू एन टू ओ फाइव एन टू ओ तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है एन टू ओ क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द हाईएस्ट पोजिशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑप्शंस दिए गए हैं पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इसमें जो राइट right आंसर है वो है पोटेशियम क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द principle of electromagnetic induction devices like electric motor that work on dc direct current are stronger than those that use of ac ac alternative current is transmitted from electricity generation center to houses and industries through high voltage transformers step up transformer at very high voltage इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन द प्रिपल ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है डिवाइस लाइक इलेक्ट्रॉनिक मोटर दैट वर्क ऑन डीसी डायरेक्ट करेंट आर स्ट्रॉगर दैन दूस दट यूज ऑफ ए सी क्वेश्चन नंबर एट्टी एट में पूछा गया है डेड प्लाट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो रिटर्न नाइट्रोजन टू सॉइल एज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड डाई नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड एंड एमोनियम कंपाउंड तो इसका जो राइट right आंसर है वो है एमोनियम कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन में पूछा गया है अ सीरीज़ इज गिवन इन विच दीरीज इज गिवन विन टर्मसिंग चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिट यहाँ पर आप देख सकते हैं सीक्वेंस दी गई है दिए गए हैं इसका जो राइट right आंसर है थर्टी वन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ सीरीज दी गई है सीरीज एंड गिवन विद द वन टर्म मिसिंग चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज कुछ सीरीज दी गई है इसमें जो राइट आंसर है इसका वो है फोर्टी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी में पूछा गया है पिंकी स्कोर मोर देन राहुल रवि स्कोर्ड एज मच एज दिव्या ज्योति स्कोर्ड लेस देन मंजू राहुल स्कोर्ड मोर मोर देन रवि मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या भू स्कोर्ड द लोएस्ट तो यहाँ पर आप, आप जो राइट आंसर है वो देख सकते हैं वो है ज्योति क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू में पूछा गया है इन अ क्यू लिली इज एटीन फ्राम द फ्रंट वाइल मिनी सिक्सटीन फ्राम द बैक इफ निशा इज ट्वेंटी फिफ्थ फ्राम द फ्रंट एंड इज एक्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ लिली एंड मिनी देन हाउ मैनीसन्स आर देयर इन द क्यूब तो यहाँ पर आप जो राइट आंसर है वो देख सकते हैं फोर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर नाइंटी थ्री में पूछा गया अल्फा बीटा एंड गामा कैन डू अ वर्क इन टेन फिफ्टीन एंड थर्टी डेज दे ऑल टूगैदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर

तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो है थ्री रेशियो टू यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ इक्वेशंस पूछी गई हैं इसमें भी जो राइट right आंसर है वो है फाइव बाई सिक्स नाइन्टी सेवन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुरलिंग स्त्रीलिंग का सही युग्म नहीं है तो यहाँ पर आप ऑप्शन जो है राइट right आंसर देख सकते हैं खत्री खतरा फिर उसके बाद यहाँ पर नाइन्टी एट नंबर पे पूछा गया निम्नलिखित में से रसों का राजा किस रस को कहा गया है इसका जो राइट आंसर है श्रृंगार रस क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सच बोलने वाले को किसी का भय नहीं है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी साँच को आँच नहीं क्वेश्चन नंबर हंड्रेड में पूछा गया है निम्नलिखित में से अट्ठावन का तत्सम शब्द क्या होगा तो इसका जो राइट आंसर है वो है अष्ट पंचाशन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के वीडियो में हमने एम पी की जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की जो कि 2021 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे 23 दिसंबर 2021 को उसके ऑफिशियल आंसर की हमने आज डिस्कस की है यदि आप 2020 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे उसकी ऑफिशियल आंसर की देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू